इस वीडियो में हम समझेंगे एम्पियस सर्किटल लॉ मान लीजिए कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी वायर से करंट पास होता है तब उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे अब हम इस वायर के अराउंड एक क्लोज लूप कंसीडर करेंगे साथ ही हम ये मान के चलेंगे कि इस क्लोज लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है अब मान लीजिए कि हमें इस लूप के किसी सेगमेंट डीएल पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम सिंपली मैग्नेटिक फील्ड बी को डीएल से मल्टीप्लाई करेंगे अब क्योंकि इस लूप को नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है और इन सभी सेगमेंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ दिया गया एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि इन सभी सेगमेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट का सम म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट के इक्वल होगा अब क्योंकि लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो हम सभी सेगमेंट का सम करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं साथ ही ये लॉ सिर्फ क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल है तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन सिंबल के साथ एक क्लोज लूप का साइन भी यूज करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं द लाइन equal ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी I through नेट area आई थ्रू the एरिया थैंक्स फॉर watching. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में